नमस्ते, मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता, आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इपिलेप्सी के बारे में। इपिलेप्सी एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो अन्य चिकित्सा पद्धति में सिर्फ दवाइयों के द्वारा ही मेंटेन की जा सकती है, लेकिन इसे पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमारे पास एक इपिलेप्सी के पेशेंट थे जिनका नाम है सचिन कुमावत जी। वो पिछले 10 साल से इपिलेप्सी की समस्या से परेशान थे। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में चिकित्सा के दौरान 3 महीने में ही इपिलेप्सी की समस्या से उन्हें पूर्णतः राहत मिली और वह अब स्वस्थ है। हम जानेंगे सचिन जी के बारे में। शुरू करते सचिन कुमार थे, मेरी उम्र 22 साल है और मुझे एपिलेप्सी और झटके की प्रॉब्लम 2011 से थी और आज से कुछ टाइम पहले 3 साल से मुझे फंगल प्रॉब्लम भी थी, जिसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया परंतु मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मुझे किसी से जानकारी मिली कि आयुष्मत होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर में डॉक्टर चेतन गुप्ता को दिखाया, जिससे मुझे 3 महीने में पूरी तरीके से आराम और मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर चेतन गुप्ता। जैसा कि अभी आपने जाना सचिन जी के माध्यम से कि वो पिछले 10 सालों से लगभग लगभग सन 2011 से इपिलेप्सी की समस्या से ग्रसित थे और होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा, खासकर प्रिडिक्टिव होम्योपैथी द्वारा, वो पूर्णतः अभी ठीक हुए हैं। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें नंबर ऑफ मेडिसिंस कई ज़्यादा रहती है, मेडिसिंस का पावर हाई रहता है। जैसे बॉडी के क्षमता के अनुसार हम 1000 पावर से लेके 50 लाख पावर तक की क्षमता तक हम जा सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट का रिस्पॉन्स किस तरह से रहता है, इसके अनुसार ही पूरा ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा अन्य प्रकार की समस्या में भी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होती है। दवाइयों का असर पहले दिन से ही शुरू होता है। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी के द्वारा पहले ही 15 दिन में मरीजों को पता लगता है कि उन्हें अपनी समस्या में कितना रिलीफ होने लगा है।